वहीं आज गढ़वा जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम हेमंत सोरेन। बूढ़ा पहाड़ पर सीएम हेमंत सोरेन करेंगे ध्वजारोहण। नक्सली अभियान पर सीएम हेमंत सोरेन करेंगे समीक्षा बैठक। मंत्री मिथिलेश ठाकुर डीजीपी रहेंगे मौजूद। तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आज गढ़वा जिले के बूढ़ा पहाड़ पहुंचेंगे। इस दौरान वो नक्सल अभियान की समीक्षा करेंगे। सीएम बूढ़ा पहाड़ पर तिरंगा भी फहराएंगे। बूढ़ा पहाड़ पर अब तक तिरंगा नहीं फहराया गया था। ये पहाड़ 2 महीने पहले ही नक्सलियों से मुक्त कराया गया। मुख्यमंत्री के साथ पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मुख्य सचिव और डीजीपी भी मौजूद रहेंगे। तो आज गढ़वा जिले के दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन पहुंचेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार जुड़ गए। धर्मेंद्र, आज गढ़वा जिले में पहुंचेंगे सीएम हेमंत सोरेन, और खास बात ये कि अब तक बूढ़ा पहाड़ जहां तिरंगा नहीं फहराया गया वो आज वहां तिरंगा फहराएंगे। क्या जानकारी, कब तक पहुंच सकते हैं? जी, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पे लगभग 1 बजे हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाए बूढ़ा गाँव, लेकिन तैयारियां पूरी कर ली गई है। मैं बता दूं कि बूढ़ा पहाड़ 2 माह पूर्व में यहाँ पे जिला पुलिस बल हो, सीआरपीएफ हो, कोबरा ने उसे खाली कराया है, और उसी को लेकर मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। जो नक्सल अभियान चल रहा है उसकी समीक्षा करेंगे, देंगे जो गाँव है यहाँ सड़क नहीं है उसके लिए भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। आज गढ़वा जिले के दौरे पर पहुंचेंगे सीएम हेमंत सोरेन, जहां आज वो बूढ़ा पहाड़ जहां आज तक झंडा नहीं फहराया गया, तिरंगा नहीं फहराया गया, आज वहां वो तिरंगा फहराएंगे। साथ ही नक्सलियों से मुक्त हो चुके बूढ़ा पहाड़ पर अभी क्या स्थिति है उसका भी आंकलन सीएम हेमंत सोरेन करते नजर आएंगे। हालांकि उनके आगमन को लेकर लोग उत्साहित हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा समय बीत गया लेकिन बूढ़ा पहाड़ नक्सली मुक्त नहीं हो पा रहा था, लेकिन 2 महीने पहले ही बूढ़ा पहाड़ नक्सली मुक्त हुआ।